खून की जांच को कुंडली मिलान से ज्यादा महत्व देंगे तभी हम अगली पीढ़ी तक बीमारियों से रोक पाएंगे, यह कहना है सांसद शंकर लालवानी का। यह बात उन्होंने नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस 2023 के शुभारंभ अवसर पर कही। एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी और आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा शनिवार को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर इनक्यूरेबल डिजीजेस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता सांसद शंकर लालवानी ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि हमें इस तरह की बीमारियों को रोकना है तो हमें शादी से पहले जन्म पत्रिका मिलान करने के साथ ही खून की जांच भी प्राथमिकता से करानी होगी, तभी हम आने वाली पीढ़ी में जाने से इन बीमारियों को रोक सकेंगे। यह जाँच जरूरी हो इसे लेकर एक प्रस्ताव मैं भी संसद के पटल पर रखूंगा। उस आयुष मंत्रालय में इन सबको किस प्रकार आगे ले जाए, और यही नहीं, पिछले दिनों में जब माननीय हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उनसे जब मिला था तो उन्होंने बोला कि आयुष मंत्रालय और चिकित्सा मंत्रालय दोनों मिलके किस प्रकार लोगों की सेहत बेहतर कर सकते हैं उसको लेके हम काम कर रहे हैं। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सबकी मंशा ये है कि हमारा समाज स्वस्थ रहे, और स्वच्छता स्वस्थ के साथ जो बताया गया कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो समाज स्वस्थ रहता है, और समाज स्वस्थ रहता है तो देश स्वस्थ रहता है। तो मैं इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि कहीं ना कहीं आप इसमें जुड़े हुए हैं। संगोष्ठी के दौरान पत्रिका सेहत एवं सूरत नवीन अंक का भी विमोचन करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी और आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन के डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने इस आयोजन को लेकर विस्तार से जानकारी दी। 4 मार्च को अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे होता है। हम लोग इस एनीमिया अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में 26 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं जो लोगों के घर तक जाएगा और उनको एनीमिया से संबंधित बहुत डिटेल में जानकारी देगा। आज हम लोगों ने 4 मार्च को ही जो अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे है उस पर एक नेशनल सेमिनार आयोजित किया है। इसके मुख्य अतिथि थे श्री शंकर लालवानी जी, जो हमारे इंदौर शहर के लोकप्रिय सांसद हैं। शंकर लालवानी जी हमारी बात लोकसभा तक पहुंचाते रहते हैं, जिसके लिए इस साल के लोकसभा का जो बजट था 1 फरवरी को, उसमें एनीमिया उन्मूलन के लिए प्राविधान किया गया कि 2047 तक एनीमिया को ख़त्म करेंगे। लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोगों में जन जागृति नहीं आएगी, जन सहयोग नहीं होगा, तब तक हम एनीमिया पे जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य और प्रबुद्ध जन मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजाना न्यूज़।